हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो विंड्स है उसका टॉपिक देख रहे थे, और देखिए विंड्स के टॉपिक में अब ये जो सेल्स होते हैं, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलार सेल, इन सेल्स को हमें पढ़ना है। ये देखिए दोनों साइड में होते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी होते हैं। तो ये सेल क्या होते हैं या ये कोश क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे हेडली सेल के बारे में, फिर हम लोग फेरल और पोलार सेल के बारे में पढ़ लेंगे। तो हिंदी क्या होगी देखिए इसकी, सन्मार्गी पवन पेटी ट्रेड विंड बेल्ट, यानी सन्मार्गी पवन पेटी रेखांशिक परिसंचरण कोश ट्राई सेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन। तो यानी कि आपका ट्रेड विंड्स बेल्ट ट्राई सेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन या सन्मार्गी पवन पेटी रेखांशिक परिसंचरण कोश, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। और सामान्य भाषा में इसे क्या कहते हैं, हेडली सेल कहते हैं। तो देखिए पहले बहुत ही बेसिक कि हेडली सेल क्या होता है। विषुवत रेखा से कुछ पवन ऊपर की ओर उठती है, यानी कि विषुवत रेखा से जो विंड है, ITCZ से जो विंड है वो वर्टिकली यानी कि 90 डिग्री पे जैसे रॉकेट आकाश में जाता है उसी तरह से 90 डिग्री पे ऊपर उठती हैं। उसके बाद क्या होती हैं, वो ध्रुवों की ओर चलती हैं, यानी कि जो हमारे पोलार हैं उधर जाती हैं, लेकिन ये ध्रुवों तक पहुँच नहीं पाती हैं और जो 30 डिग्री अक्षांश है वहीं पे जाके ये नीचे की तरफ जाने लगती हैं, यानी कि वापस से नीचे उतर जाती हैं। देखिए यहाँ 0 डिग्री पे ऊपर चढ़ी और 30 डिग्री पे वापस उतर गई, जबकि ये जा कहाँ रही थी, पोलार की तरफ जा रही थी या ध्रुवों की तरफ जा रही थी। अभी हम लोग समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये उतर क्यों जा रही हैं। और फिर देखिए 30 डिग्री से क्या होता है, वापस ट्रेड विंड्स या फिर कह लीजिए कि सन्मार्गी पवन या व्यापारिक पवन के रूप में या ट्रेड विंड के रूप में वापस से 0 डिग्री के आसपास, 0 डिग्री के पास या फिर हमारी विषुवत रेखा के पास आती हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा एक कोश बनता है, एक सर्कल जैसा बनता है हवाओं का, इसको हम लोग कहते हैं ट्राई सेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन। और क्योंकि ये ट्रेड विंड्स की वजह से बन रहा है तो इसे ट्रेड विंड्स बेल्ट की वजह से, तो इसमें ट्रेड विंड्स बेल्ट भी जुड़ जाता है। तो हिंदी में होता है रेखांशिक परिसंचरण कोश। अब देखिए ये तो बहुत ही सिंपल बात हो गई, अब इसकी हम लोग डिटेल्स में जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ जिससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब आपको ये सोचना है कि ये जो विंड्स है इनकी डायरेक्शन ऐसी क्यों है, यानी कि ये विंड जो हैं या ये जो हवाएं हैं ये मुड़ क्यों रही हैं, ये सीधी क्यों नहीं चल रही हैं, इस तरह से सीधी क्यों नहीं चल रही हैं, मुड़ क्यों रही हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि पृथ्वी के ऊपर कोरियालिस बल काम करता है। कोरियालिस बल क्या करता है कि किसी भी चीज़ को जो कि अर्थ पे मूवमेंट कर रही है, जो उत्तरी गोलार्ध में मूव कर रही है, यानी कि जो भी चीज़ उत्तरी गोलार्ध में चल रही है उसको कोरियालिस बल क्या करता है कि दाईं ओर ढकेल देता है। यानी कि कोरियालिस बल की कोशिश होती है कि किसी भी चीज़ को दाईं ओर ढकेला जाए। और दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ धक्का देता है कोरियालिस बल, बाईं ओर, यानी कि दिशा में परिवर्तन करता है, गति में परिवर्तन नहीं करता है कोरियालिस बल, लेकिन दिशा में परिवर्तन करता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर ढकेलता है। तो इसीलिए देखिए ट्रेड विंड्स जो हैं उत्तरी गोलार्ध में ऐसे दाईं ओर धक्का खा के चल रही हैं, यानी कि सीधे ना चल के अपने दाईं ओर इनकी कह लीजिए कि इनकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे सीधे ना चल के ये देखिए लेफ्ट साइड में ये विंड मुड़ रही है। अब देखिए ये तो हमारी सरफेस पे चलने वाली ट्रेड विंड्स हो गई या व्यापारिक पवनें हो गई। जब यही जो हवाएं हैं जब आकाश में चल रही हैं, यानी कि ये वाली जो हवाएं हैं जो आकाश में चल रही हैं, ये वाली जब ये चलेंगी तो इनकी भी तो डायरेक्शन में कोरियालिस बल चेंज करने की कोशिश करेगा, जैसे पृथ्वी के ऊपर करता है वैसे ही ऊपर भी करेगा, सॉरी पृथ्वी के जैसे अर्थ की सरफेस पे कोरियालिस बल काम करता है वैसे ही ऊपर भी करेगा। तो अब हम लोगों को इसी से ये क्लियर होगा कि किस तरह से ये सेल बनता है। अब देखिए एक बात जैसे मैंने कही आपको याद रखना होगी कि हम लोग एक रॉकेट के एग्जांपल से मान लीजिए समझ रहे हैं क्या हो रहा है, कि एक रॉकेट है जिसको आपने यहाँ से छोड़ा, ये 90 डिग्री पे ऊपर गया, फिर आपने इसको कहा कि ये कोई बहुत दूर पे एक पोल है या ध्रुव है जो कि हमारी पृथ्वी पे यहाँ पे है, कि आपको यहाँ पे पहुँचना है, लेकिन क्या हुआ कोरियालिस बल ने इस रॉकेट की डायरेक्शन में लगातार चेंज किया जिसकी वजह से ये रॉकेट जो है यहाँ पे जाके रुक गया और नीचे इसको उतरना पड़ गया। तो अब देखिए ऐसे आपको नहीं समझ में आया होगा कि कोरियालिस बल ने क्या कर दिया उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन अभी आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। पर ये रॉकेट का एग्जांपल मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि देखिए यहाँ पे 3D फिगर नहीं है, जब मैं ऐसे करूँगा तो कहीं आपको डाउट ना हो जाए कि ये सरफेस पे ही चल रही है। तो ये रॉकेट का एग्जांपल यही मतलब कह रहा है कि जहाँ पे ये इस टाइप का एरो बना हुआ है इसको आप वो विंड मानिए जो कि वर्टिकली या फिर लंबवत रूप से या 90 डिग्री पे ऊपर जा रही है। सबसे पहले देखिए क्या होगा, जो हमारी इक्वेटर है हम लोग जानते हैं कि इसके ऊपर सूरज सीधा चमकता है, इसके ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यानी विषुवत रेखा पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है।
तो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है या लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। अच्छा, इसके साथ ही जब गर्मी ज़्यादा होगी तो हवा के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, जब भी किसी चीज़ को आप देखिए गर्म करते हैं, चाहे वो लोहा ही हो, तो वो फैलती है तो हवा भी फैलेगी। फैलने का मतलब क्या होता है कि अणु दूर दूर हो जाते हैं। जब अणु पास पास होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो ठोस है, जब अणु दूर दूर हो जाते हैं तो हम लोग कहने लगते हैं कि गैस में बदल गया। तो उसी तरह से हवा जो कि ऑलरेडी गैसियस है, स्टेट में है या गैस में, गैस की अवस्था में है, लेकिन उसमें क्या होता है कि फैलाव होता है, यानी कि उसके अणु और भी दूर दूर जाने लगते हैं। तो जब अणु दूर दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हवा और भी हल्की हो जाएगी। अब जब हवा हल्की हो जाएगी यानी कि उसका आयतन बढ़ता जा रहा है, अणु दूर दूर होते जा रहे हैं, आयतन बढ़ता जा रहा है, हवा हल्की होती जा रही है। जब हवा हल्की हो जाएगी तो कोई भी हल्की चीज़ किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि क्या होगा, विंड जो है वर्टिकली या फिर 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। जैसे कि यहाँ पे ये विंड ऊपर की तरफ जाने लगती है। अब क्या होगा, जब हवा ऊपर पहुँचेगी तो इसको क्या करेगा, हमारा जो पोल है वो आकर्षित करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, हाई प्रेशर है। अच्छा, पोल्स के ऊपर हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है पोल्स पे, और जहाँ पे जितना ज़्यादा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा हाई प्रेशर वहाँ पे पाया जाएगा। तो पोल्स पे तो टेम्परेचर बहुत कम है इसलिए हाई प्रेशर है। तो पोल्स क्या करते हैं, इस हवा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो अब ये हवा क्या करेगी, पोल्स की तरफ जाने की कोशिश करेगी। देखिए, ये जैसे कि यहाँ पे एरो बना है उसी रूप में ये विंड हमारी क्या करेगी, पोल्स की तरफ जाने की कोशिश करेगी। लेकिन बस अब देखिए यहीं पे समझने की बात आती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो ITCZ से जो हवा ऊपर उठती है 90 डिग्री पे, जो अभी अभी हम लोगों ने देखी है, ये कहाँ तक जा पाएगी, ये केवल जा पाती है ट्रोपोपॉज तक। ट्रोपोपॉज क्या है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, यानी कि क्षोभ मंडल की जो आखिरी सीमा है वहीं तक ये जा पाती है, और उसके बाद ये जो है जो हमारे पोल्स हैं या फिर जो हमारे ध्रुव हैं उसकी तरफ चलने लगती है। तो कहाँ तक जाती है ये विंड, ट्रोपोपॉज तक जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा, ट्रोपोपॉज तक जाती है, और उसके बाद ये हमारे पोल्स की तरफ आकर्षित हो जाती है। लेकिन अब देखिए होता क्या है कि कोरियालिस बल अपना काम करने लगता है, यानी कि इस हवा को लगातार ये धक्का देने लगता है इसकी डायरेक्शन के दाईं ओर। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे समझते हैं, मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में ऐसे सीधे जाना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको कोई चीज़ धक्का देती है दाईं ओर आपके ऐसे, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर देगी, बाईं ओर। तो अभी दक्षिणी गोलार्ध की ना बात करते हुए हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, और वही दक्षिणी गोलार्ध के लिए भी हो जाएगा। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, ये कोरियालिस बल हवा से कहता है कि आपको दाईं ओर जाना पड़ेगा, फिर और धक्का देता है दाईं ओर जाना पड़ेगा। तो एक समय क्या ऐसा नहीं आएगा कि जो विंड है उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी कि विंड जब चली थी तो वो ऐसे ऊपर की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन ये दाईं तरफ धक्का लगता गया और एक समय विंड जो है यहाँ पे आके स्थित हो गई, या फिर कह लीजिए उसकी डायरेक्शन बदल गई। तो ये देखिए जब घटना होगी तो उससे क्या होगा, जो हमारी विंड है वो देखिए लगातार क्या हो रहा है, उसके ऊपर वही बात मैंने जो कही कि कोरियालिस बल अपना काम कर रहा है और उसको लगातार दाईं दिशा में ढकेल रहा है। जब दाईं दिशा में लगातार विंड को ढकेला जाएगा इस तरह से, तो 30 डिग्री के ऊपर आके जो विंड है हमारी वो अक्षांशों के पैरेलल या अक्षांशों के समानांतर हो जाएगी, यानी कि हमारी पृथ्वी पे जो अक्षांश रेखाएं होती हैं जिनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, उसके ऊपर आके हमारी जो विंड है वो पैरेलल हो जाएगी या समानांतर हो जाएगी। तो अब देखिए ऐसे अक्षांश रेखाएं होती हैं जैसे कि अक्षांश रेखा है। अब जब विंड की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी तो अब विंड पोल की तरफ तो जा नहीं सकती है, क्योंकि पोल की तरफ जाने के लिए डायरेक्शन ऐसी होना चाहिए थी। पर हुआ क्या है कि पोल की तरफ इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि 30 डिग्री पे पहुंचते पहुंचते जो विंड की डायरेक्शन है वो पूरी तरह से कोरियालिस बल ने बदल दी। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या हुआ कि 30 डिग्री पे विंड आकर इकट्ठी होने लगी। अच्छा, अभी हम लोग जो दूसरा सेल पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि 60 डिग्री से जो विंड आती है वो भी 30 डिग्री के ऊपर इकट्ठी होती है, यानी कि दोनों डायरेक्शन से विंड आकर, और जो हमारा 30 डिग्री का अक्षांश है, जो 30 डिग्री का हमारा लैटिट्यूड है, उसके ऊपर इकट्ठी होने लगती है, एकत्रित होने लगती है। एक देखिए और बात यहाँ पे बताता हूँ जिसको आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। अगर कभी पूछा जाता है कि एंटी ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, या प्रतिसन्मार्गी पवन क्या होती हैं, या फिर कह लीजिए कि जो, चलिए यही रखते हैं, एंटी ट्रेड विंड्स, प्रतिसन्मार्गी पवन, तो ये क्या होती हैं। तो देखिए हम लोगों की जो व्यापारिक पवनें होती हैं जो अर्थ की सरफेस पे बहती हैं वो इस डायरेक्शन में बहती हैं, तो इसके विरोध में जो आकाश में हवाएं बहती हैं, यानी कि हमारे जो ट्रोपोपॉज की सीमा है
वहाँ पे ये जो हवाएं चल रही हैं जो कि जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं उनके आगे उल्टी डायरेक्शन में चल रही हैं, तो उन्हें कहते हैं प्रतिसन्मार्गी पवन या एंटी ट्रेड विंड्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारी पृथ्वी पर चलने वाली सन्मार्गी पवन या व्यापारिक पवनें हैं उसके उल्टी डायरेक्शन में चलती हैं। तो चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। हम लोगों ने देखा कि जो कोरियालिस बल है उसने इन प्रतिसन्मार्गी पवनों की जो कि अंतरिक्ष में चल रही थी पोल की तरफ जा रही थी डायरेक्शन को पूरी तरह से बदल दिया और 30 डिग्री पे पहुँचते पहुँचते इनकी डायरेक्शन अक्षांश रेखाओं के समानांतर हो गई या लैटिट्यूड्स के समानांतर हो गई इस तरह से। और इसका परिणाम क्या हुआ कि 30 डिग्री पे ये इकट्ठी हो गई। अब देखिए ये जो इकट्ठी हो गई हैं हवाएं, पहली बात तो ये दूर से आ रही हैं, ठंडी भी हो गई हैं, कुछ इनमें ठंडापन भी आ गया है। तो ये हवाएं देखिए जब इकट्ठी हो गई हैं और कुछ ठंडी भी हो गई हैं तो एक हाई प्रेशर का जोन बन जाएगा और ये हवाएं धीरे 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 नीचे की ओर उतरने लगेंगी। यानी कि क्या होगा, 30 डिग्री पे ये हवाएं नीचे की तरफ उतरने लगेंगी इस तरह से। वापस से जो रॉकेट हम लोगों ने देखा था ऊपर गया वो फिर से नीचे की ओर उतरने लगेगा। अब जब नीचे उतरेगा तो यहाँ पे क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जिसे हम लोग कहते हैं हाई प्रेशर बन गया है तो हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे है। अच्छा ये कैसी होती है, थर्मली इंड्यूस्ड तो होती नहीं है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड होती है, यानी कि ये डायनेमिक रीजन से बनती है गत्यात्मक कारणों से। अभी हम लोगों ने देखा कि हाई प्रेशर कैसे बना। तो क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन बन गया, उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये हवाएं नीचे उतर आएंगी और जब नीचे उतर आएंगी यानी कि अर्थ की अब ये सरफेस पे आ चुकी हैं, यानी कि जो हवाएं हमारी ऊपर गई थीं अब वो वापस से पृथ्वी की जो सतह है वहाँ पे आ चुकी हैं, पृथ्वी की सरफेस पे आ चुकी हैं। और यहाँ पे सरफेस पे जब हाई प्रेशर है तो ये हवाएं किधर जाएंगी, वापस से जो लो प्रेशर है यानी कि जो ITCZ है वो इन हवाओं को फिर से आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि ITCZ पे तो नीचे गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लो प्रेशर है, और यहाँ पे क्या बन गया है, हाई प्रेशर बन गया है। यहाँ पे बहुत सारी हवाएं इकट्ठी हो गई हैं, हाई प्रेशर बन गया है। तो होगा क्या, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं फिर से जाएंगी जिसके ऊपर फिर से कोरियालिस बल काम करेगा और इनकी डायरेक्शन को इस तरह से चेंज कर देगा। ये देखिए जो विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस तरह से डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो इस तरह से फाइनली हम लोगों ने क्या देखा, एक बार हम लोग समअप करेंगे। 0 डिग्री से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और 30 डिग्री की तरफ जाती हैं, 30 नहीं, हम लोगों के जो पोल्स हैं या ध्रुव हैं वहाँ पे जाती हैं, लेकिन पोल्स तक पहुँच नहीं पाती हैं क्योंकि कोरियालिस बल इनकी हवाओं की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज करता है जिससे कि अक्षांश रेखाओं के समानांतर हो जाती हैं या लैटिट्यूड्स के समानांतर हो जाती हैं हमारी जो विंड्स जो कि ऊपर उठी हैं। तो जब ये विंड समानांतर हो जाती हैं तो 30 डिग्री पे इकट्ठी होने लगती हैं, 60 डिग्री से आने वाली हवाएं, यहाँ से आने वाली हवाएं भी यहाँ 30 डिग्री पे इकट्ठी होती हैं और ये ठंडी भी हो रही होती हैं। तो क्या होता है, एक हाई प्रेशर का जोन बन जाता है, ये हवाएं धीरे 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 नीचे उतरने लगती हैं। जब ये हवाएं नीचे उतरने लगती हैं तो इनमें से इनका कुछ पार्ट तो देखिए इधर भी जाएगा, लेकिन वो आगे की बात है। इनका जो कुछ पार्ट है वो किधर जाने लगता है, वापस से जो लो प्रेशर का जोन है या फिर जो हमारी इक्वेटर है उधर जाने लगता है और इनकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती है कोरियालिस बल के कारण। ये अपनी दिशा के दाईं ओर धक्का खा के दाईं ओर मुड़ जाती हैं कोरियालिस बल से, जिसे हम लोग फेरेल का नियम कहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एक पूरा का पूरा सेल बन जाता है, हवाओं का ऊपर उठना, ध्रुवों की तरफ जाना, 30 डिग्री पे इकट्ठा होना, वापस से नीचे उतरना और वापस से 0 डिग्री पे जाना, जिसको हम लोग हेडली सेल कहते हैं।